तो हाजिर हो चुके हैं पिछला मैच बारिश के कारण धुलने के बाद। फिर हमारा मैच हो चुका है वीएन क्रिकेट क्लब सोनू भाई से, और हमारे कैप्टन नदीम तुर्क साहब कॉइन हाथ में लेकर तैयार हैं उछालने के लिए, और कॉल करेंगे सोनू भाई। हेड इज द कॉल, और हेड ही पड़ा है। सोनू भाई ने एक परंपरा बना ली है कि टॉस तो जीतूंगा ही जीतूंगा। जीतने आते हैं और जीत के ही जाते हैं। हाँ, टॉस जीतते हैं, मैच का पता नहीं, टॉस जीतने आते हैं हम। चलो कोई नहीं, हम तो दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको। तो डिसीजन बैटिंग फर्स्ट ठीक है, हम बॉलिंग फर्स्ट करते हैं फिर। आज ही क्या कहना चाहोगे कैप्टन साहब आप? आज तो उम्मीद ये थी हम टॉस जीत जाएंगे, बहुत सारे टॉस हार चुके हैं। अच्छा, एक फिर हार गए, कोई बात नहीं, कोई नहीं, फील्डिंग करेंगे। अरे तो टॉस हारो मैच जीतो, ये वाली रणनीति वैसे सही है। ठीक है ठीक है सोनू भाई, तो क्या स्कोर देना चाहोगे, टारगेट क्या मतलब रखना चाहोगे हमारे लिए? टारगेट क्या जी, ये जो ग्राउंड अपने लिए पहला मैच है इसमें हमारा। अच्छा, पहला मैच है। हाँ जी, तो अभी टारगेट तो डिसाइड नहीं है कोई, लेकिन अच्छा टारगेट देंगे 160 प्लस का आपको। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता दूं इस पे हमारे कई मैच हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा बैटिंग पिच है। हमने इस पे पहले खेलते हुए भी 235 का स्कोर बनाया हुआ है। हाँ, पहले खेलते हुए, तो हम उम्मीद करेंगे आपके बैट्समैन भी, सही करा आपने मेरे को बता दिया, आपके बैट्समैन भी अच्छा खेले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपका डिसीजन गुड। बिल्कुल, तो दोस्तों आ जाओ, आ गए, बोलो, आ गए। चलो, तो दोस्तों जैसा कि समी भाई ने पिछली बार मैच सीधा सीधा भेजा था, इस बार कैसा भेजना चाहोगे? इस बार भी वैसे ही, वैसे ही, मतलब पिछली मंडी की तरह जैसे बारिश हो गई थी, पूरा एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। सीधा सीधा भेजा, इस बार आड़ा टेढ़ा भेजेंगे, आड़ा टेढ़ा भेजेंगे। तो वाइट मतलब आज वाइट ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं करना आज, अपनी छूट है सबको, वाइट ऊपर तो कंट्रोल करना है, लेकिन मैच आड़ा टेढ़ा, वो टीम का स्लोगन है। अच्छा, टीम का स्लोगन सब वाइट। तो दोस्तों इसी के साथ जो है कलीम भाई जुड़ चुके हैं, हमारा मजाक हो चुका। अब जो है सबसे पहले वर्ल्ड कैप्टन दानिश भाई का स्वागत है, वर्ल्ड कैप्टन दानिश भाई का इस मैच में हमारी वापसी हुई है। तो इसी के साथ जीत से आगाज करेंगे इस मैच का, और दानिश भाई का स्वागत, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। कप्तान साहब से मुझे उम्मीद है बॉल पकड़ देंगे, रपटेंगे नहीं, बॉल पकड़ लेंगे। हाँ, और कैच भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पिछले मैच में कप्तान की मतलब कप्तान का पीछा ले लिया था बॉल ने, जहाँ कप्तान जा रहे थे वहीं कैच जा रही थी और वही छूट रही थी। आज बॉल पे कप्तान जाएंगे। हाँ, आज बॉल पे कप्तान जाएंगे इंशाल्लाह। चलो भाई दोस्तों, इंशाल्लाह कर देंगे, बेस्ट मैन भी आ जाना। राहुल भाई, ओपनिंग पे आपका स्वागत है भाई, और क्या स्कोर खड़ा करना चाहोगे? टीम का है मेरा, अपना और टीम का, दोनों का बता दो। देखते हैं 50 और 200 रन तो देखते हैं, 50 और 200। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। बढ़िया, पहला विकेट लुरैन भाई को, पहला ही शुरुआत, पहले ही विकेट मिल गया है, बढ़िया। फैजान भाई भी आ रहे हैं, बढ़िया। उंदा बोल, यही चौका, बढ़िया चौका, बढ़िया चौका, बढ़िया बढ़िया रोका ली, बढ़िया छे चौ, बढ़िया छे, बढ़िया चौका, बढ़िया पहला, दूसरा विकेट मिलता हुआ, दूसरा विकेट मिलता हुआ,
साहब तो पावर प्ले खत्म हो चुका है और हमारे विकेट टेकिंग बॉलर आ चुके हैं जिनसे पूरी उम्मीद रहती है पहला ओवर में विकेट हमें मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं क्या होता है फिर। शब्बू भाई बड़े अच्छे बढ़िया चौका बढ़िया चौका बढ़िया चौका बढ़िया विकेट तीसरा विकेट मिलता हुआ दानिश भाई को और नदीम भाई ने पकड़ी कैच बहुत बढ़िया कैच पकड़ी है। होते हुए ये आए ड्रिंक ब्रेक लेने के लिए और कलीम भाई हमारी वापस आ चुकी है। अब ये 11वां ओवर साइड चेंज हो चुकी है पिच। चलिए देखते हैं अब क्या चेक बढ़िया उंडा बिल्ली बॉल बारिंग बढ़िया वो बढ़िया चौका चौक वॉक बोल्ड बढ़िया नदीम भाई ने विकेट निकाल लिया और कप्तान साहब जा रहे हैं और एक भी बॉल नहीं खेली कप्तान साहब ने पहले ही किल्ला निकाल दिया। ये बढ़िया ये दिल खुश कर दिया भाई ने यार। अब बोलिए बढ़िया बात ये बात बढ़िया बोलिए अपने आप से और ये बहुत बढ़िया कप्तान साहब बढ़िया विकेट सदा भाई को भी मिलता हुआ पांचवा विकेट मिलता हुआ सर ऑलराउंडर इस्लाल भाई आए हैं बढ़िया सदा भाई ने कैच पकड़ता हुआ और रोहन भाई को मिल गया विकेट
चौका। बढ़िया चौका। बॉल्ट नदीम भाई ने भी बॉल्ट मार दिया इस्लाल भाई को। नदीम भाई ने विकेट निकालते हुए इस्लाल भाई आउट हो गए। चलता क्या है। मारो यस बढ़िया। ये भी विकेट। अरे भाई ये ओम फो आज तो सचिन भाई खुद आ गए भाई ग्राउंड वाले मतलब ग्राउंड वाले भी एम्पायर भी और आज बन गए बैट्समैन भाई। आज देखते हैं सचिन भाई क्या गुल खिलाएंगे। आ गए हैं हमारे अगेंस्ट बैटिंग करने भाई सचिन भाई। तो दोस्तों आज हमारी ओपनिंग चेंज है, ओपन जा रहे हैं सरफराज भाई। तो सरफराज भाई कुछ कहना चाहोगे भाई? उम्मीद तो यह है मैच जिता के आए अपनी टीम को। ओपनिंग बहुत दिन बाद मिली है तो उसका पूरा फायदा उठाकर आए, ज्यादा से ज्यादा रन बल्ले से निकले अपने। और मेन बात तो टीम के लिए खेलना है, मैच जीतना है इंशाल्लाह। चलो अच्छा खेलना। और दूसरा हमारा ओपनर है फैसल। फैसल कुछ कहना चाहेगा? बस लंबा टिके थोड़ा स्कोर सही है। बल्ला तो ले लो। चलो अच्छा खेलना दोनों मिलके। तो दोनों हमारे ओपन जाते भी और हमारा नया बल्ला भी टेस्ट करेंगे इसी के साथ। तो हम देखते हैं कि हाँ भाई पूछते हैं कुछ लोगों से कि नदीम भाई का डिसीजन कैसा। फैजान भाई बताओ। बहुत बढ़िया डिसीजन है और मौका नहीं मिलता लड़कों को, आज मौका मिलेगा इंशाल्लाह। दो लड़के पूरा खेल गया। चलो चलो ठीक है। समीर भाई कुछ बोलो भाई। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा डिसीजन है, लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब ये देखते हैं मौके पे कैसे उतरेंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे अच्छा ही करेंगे। चलो चलो। और इसी के साथ नुरेन भाई कुछ कहना चाहोगे? नदीम भाई का डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन। अरे सीरियस बोलो भाई। सीरियस ही तो बोलो। इतना ही बहुत है फैजान भाई। ये डिसीजन अभी तो सबको अच्छा लग रहा है, वो बैटिंग पे अच्छा खेलेंगे तो अच्छा डिसीजन है, जल्दी आउट होगा तो गलत डिसीजन है। अच्छा हमको सिखा रिया है। अब अरे हमारे कप्तान साहब कुछ बोलो। मखाया एंटनी नदीम भाई ने। नदीम भाई ने बोले ही जल्दी बोले यार। जल्दी नहीं हुआ है। नदीम भाई ने जो डिसीजन लिया है वो सबको एंजॉयमेंट के हिसाब से डिसीजन लिया है, ताकि मैच तो सीरियस वैसे ही खेलते हैं। आज टीम मस्ती के साथ हम करते हैं। तो दोस्तों मैच हो चुका है स्टार्ट और हमें करने हैं 146 रन 20 ओवर में। तो हमारी ओपनिंग जैसा कि आपको पता है चेंज होके गई है, देखते हैं क्या डिसीजन लेता है। पहली बॉल बहुत ही बढ़िया सम्मान के साथ बॉल प्लेट। बॉल और बेहतरीन शॉट मारा है इसी के साथ ऑफ साइड में सरफराज भाई ने। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन और दो रन और सचिन भाई ने बहुत ही दूर मारी है थ्रो और बहुत ही बढ़िया दो रन। और ये बहुत ही बढ़िया बॉल और बीट करा है बैट्समैन को, बहुत ही अच्छी बॉल। और ये बहुत बढ़िया बॉल और कीपर ने छोड़ा है और इसी के साथ हमें मिलेगा 4 रन। बहुत ही अच्छा चौका जो कि अभी बल्ले से नहीं है लेकिन टीम के लिए तो है। और ये बहुत ही बढ़िया मारा है सरफराज भाई ने और खिलाड़ी के हाथ पैर से लग के गई है, देखते हैं क्या होता है। दो रन तो आराम से भाग लेंगे और तीन भी भागते हैं अगर ये चाहेंगे तो। और ये तीन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे 3 रन, बहुत ही बढ़िया।
पहली बॉल फेस करेगा फैसल। और ये बल्ला चलाया बॉल डॉट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया बॉल कराई है बॉलर ने। तो पहले ओवर में 10 रन आ गए हैं जो कि हमें यही चाहिए। और दूसरे ओवर की पहली बॉल, और ये पहली बॉल पे बहुत ही अच्छा शॉट मारा था सरफराज भाई ने, और अच्छी फील्डिंग कर ली भाई ने, और ये सिंगल के साथ स्ट्राइक चेंज। ये भाई की चौथी बॉल है, और ये बहुत ही बढ़िया फैसल ने शॉट मारा है, बहुत ही उमदा शॉट मारा है, पर दो रन मिल जाएंगे, दो रन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे दो रन मिल गए हैं। और ये बॉल मार दिया है भाई ने फैसल को, मैंने हमारे समी भाई, पहली बॉल और ये डॉट बॉल। और ये हमारे पुष्कर भाई बहुत ही अच्छी बॉल करा रहे हैं, और ये सेम बॉल और बेहतरीन शॉट मारा है समी ने, पीछे फील्डर है, तो सिंगल के साथ ही ये स्ट्राइक चेंज। शॉट है भाई, सरफराज भाई ने शॉट मारा है, और ये छक्का हो गया है, छक्का हो गया भाई, छक्का हो गया है, हमारे खिलाड़ी सारे वहीं खड़े हैं, पीछे से आए वो भाई, पीछे से आए। तो भाई छक्के की क्लेश हो गई है कि ये छः है या फिर आउट है, हम कह रहे हैं रस्सी पे पैर लग गया है और वो मना कर रहे हैं भाई, देखते हैं भाई क्या डिसीजन निकल के आता है ये लास्ट में। और हमसे देर हो गई आने में, वीडियो बनाने में, हमारे ये समी भाई अभी अभी कैच आउट हुए हैं, और इनके जो पहला बॉल फेंका था उनने ही कैच पकड़ी। ये समी भाई के आउट होने के बाद अब नदीम भाई आए बैटिंग करने, और हमारे 3 विकेट हो चुके हैं सिर्फ 23 रन पर। अब नदीम सामना करेगा बॉलर का, और हमें स्कोर करना है 146 रन, जो कि हमारे पावर प्ले में सिर्फ 21 रन थे। पहली गेंद छोटी और शॉट मारा है, और पहली गेंद पे चौका, नदीम ने पहली गेंद पहन लिया है, पहली गेंद पे नदीम ने चौका मारा, और हमें ऐसी चौकों की ज़रूरत है अगर मैच जीतना है तो, क्योंकि 3 विकेट हो चुके हैं, रन हमारे अभी 30 रन भी नहीं हुए हैं, और 8वां ओवर चल रहा है, रन हमें करने हैं 146 रन मैच जीतने के लिए। देखते हैं अगली गेंद के लिए तैयार नदीम। नूरेन भाई स्ट्राइक पर 8 ओवर 3 बॉलों के साथ, और ये बॉल कराइए अच्छा था, हल्का सा प्लेट कर दिया, और ये बहुत ही अच्छा सिंगल ले लिया है हमारे फील्डर ने। इस रन के साथ नूरेन भाई के सिंगल के बाद स्कोर हो गया 44 रन राइजिंग सुपर स्टार का। इसराइल अभी स्ट्राइक पर है नदीम भाई, और आगे बढ़ा नदीम और शॉट मारा बेहतरीन शॉट, और खिलाड़ी पीछे रहे, और ये 6 रन गगन चुम्बी छक्के के साथ स्कोर हो गया है 50 रन, और एक और छक्के के साथ नदीम ने स्कोर राइजिंग सुपरस्टार का कर दिया है 50 रन 8 ओवर 5 बॉलों के साथ राइजिंग सुपरस्टार 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और 9 ओवर के बाद 51 रन 3 विकेट के नुकसान पे राइजिंग सुपर स्टार 10वां ओवर लेके आए हैं भाई हमारे, फिर सेट करते हुए बॉलर अपनी, और पहली बॉल कराते हुए बॉल कराई और अच्छा सा कट कर दिया बेहतरीन शॉट के साथ कवर के ऊपर से 4 रन के लिए, बेहतरीन शॉट मारा है नदीम भाई ने, और स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे 55 रन हो चुके हैं 9 ओवर 1 बॉल के साथ। और पहली गेंद पे चौका मारने के बाद फिर से तैयार बॉलर नदीम भी तैयार, बॉल कराते हुए बॉलर, और हल्की सी छोटी और ये कैच, और ये कवर के ऊपर से सेम शॉट मारा था, और नदीम आउट होके जाता हुआ बहुत बड़ा झटका लगता हुआ राइजिंग सुपर स्टार को, और 55 रन पर चौथा विकेट गिरा है, चौथा विकेट नदीम का। नदीम का विकेट गिरने के बाद दानिश आया है, ये साहिल की चौथी बॉल और ये वाइट, ये बहुत बढ़िया शॉट मारा है दानिश ने सीधा स्ट्रेट,
और ये सिंगल। इसराइल भाई 11वां ओवर लाते हुए दानिश स्ट्राइक पर है। 10 ओवर में हमारे 61 रन हो चुके हैं। अब ये 11वें ओवर की पहली बॉल है दानिश स्ट्राइक लेते हुए। ये बहुत अच्छा शॉट मारा दानिश ने, सीधा एकदम स्ट्रेट और ये सिंगल। 11वें ओवर की दूसरी बॉल नूरेन स्ट्राइक पर और ये सीधा शॉट मारा एकदम गोली शॉट नूरेन ने और ये 6 रन। लाजवाब शॉट इसराइल भाई की दूसरी बॉल पे छक्का मारते हुए नूरेन, बहुत बढ़िया शॉट मारा। और ये बहुत अच्छा शॉट मारा नूरेन ने सीधा और ये देखो दोस्तों क्या होता है और ये आउट, कैच आउट। दोस्तों 11वें ओवर चल रहा है, 3 बॉलें हो चुकी हैं, 69 रन हैं हमारे। नूरेन आउट हो गया है, नूरेन के बाद आए हैं सदब भाई। अभी 11वें ओवर की चौथी बॉल है, सदब भाई स्ट्राइक पे, इसराइल भाई बॉलिंग कराते हुए, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और ये अच्छा प्लेट करा है, ग्यारह ओवर में हमारे 70 रन हो चुके हैं और ये रोहन शर्मा बॉलिंग पर आए हैं 12वें ओवर की पहली बॉल कराते हुए। सदब भाई स्ट्राइक पर हैं, और ये पहली बॉल वाइट और ये कीपर से भी मिस हो गई ये बॉल। ये वाइट और 2 रन, 3 रन आ गए हैं, एक भी बॉल नहीं हुई है। और ये बहुत ही गोली शॉट मारा है सदब भाई ने और ये 4 रन, बहुत ही गोली शॉट मारा है, किसी को बॉल दिखी भी नहीं, एकदम सीधी गोली की तरह गई है। दानिश भाई स्ट्राइक पर हैं और ये भाई रोहन भाई से बॉलिंग नहीं हो पा रही है, वाइट ज़्यादा मार रहे हैं। अब ये 12वें ओवर की 2 ही बॉलें हुई हैं और ये तीसरी बॉल डाल रहे हैं रोहन भाई और ये बिल्कुल ही 2-3 टब्बों में गई है, ये 9 बॉल होनी चाहिए मेरे हिसाब से और ये 9 बॉल दे दी है एम्पायर ने। रोहन भाई से बॉलिंग नहीं हो पाई तो 2 ही बॉल करवाई है उनसे और 2 में 14 रन दे चुके हैं वो, उनकी जगह दूसरा बॉलर आया है उनका ओवर कंप्लीट करने रोहन भाई का। और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारा सदब ने, हवा में गई है बॉल और ये मेरे हिसाब से सिंगल ही होगा। 12 ओवर में 88 रन हो चुके हैं दोस्तों हमारे और दानिश भाई स्ट्राइक पे हैं। देर में ओवर की पहली बॉल और ये दानिश भाई स्ट्राइक पे, बॉलर आता हुआ पहली बॉल कराते हुए और ये दानिश ने, दानिश का एज लगा था भाई साहब बहुत तगड़ा और ये दानिश भाई को जीवन दान मिलता हुआ। स्ट्राइक पे रोहित शर्मा की दूसरी बॉल और ये वाइट बॉल और ये मिस कीपर से भी और ये पंजा, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए हमें, बहुत बढ़िया वाइट का पंजा। तीसरी बॉल रोहित भाई की और ये सदब भाई स्ट्राइक पर तेन में ओवर की लास्ट बॉल रोहित भाई की फैजान भाई स्ट्राइक पर
और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारा है, बच गए, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था सीधा हाथों में जाएगी बॉल, और ये सिंगल रन। दोस्तों 14 ओवर में 108 रन हमारे हो चुके हैं, 36 बॉलों पे 38 रन चाहिए अब हमें जीतने के लिए। सदब भाई करेंगे सामना, सोनू भाई आ चुके हैं अपना अपने कोटे का लास्ट ओवर लेकर, और एक अच्छा शॉट खेला भाई साहब ऑफ साइड पे, बेहतरीन सिक्स, गगनचुंबी छक्का, सोनू भाई का मतलब सोनू भाई का स्वागत करा है गगनचुंबी छक्के से सदब भाई ने। भाई ओवर का चौथा बॉल लेकर सोनू भाई हाजिर हैं, और सीधा बॉल भाई बेहतरीन, ओए होए 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 होए, बहुत अच्छा एफर्ट भाई फील्डर द्वारा, ये अगर कैच चिपक जाती तो मैच बन जाता, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया भाई फील्डर ने एफर्ट दिखाया, बस चिपकी नहीं बॉल बस। आगे बढ़ के शॉट खेला भाई पीछे, बेहतरीन चौका, फर्स्ट क्लास, हाँ गूगलता चौका फैजान भाई के बल्ले से आया है। के साथ इसराइल भाई की हुई है वापसी बॉलिंग में, और सदब भाई करेंगे सामना, और पहली बॉल, ओए होए 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 होए, एक स्टंप का चांस बना था भाई, स्टंप का चांस बनाया था इसराइल भाई ने जो मिस हो गया। सदब भाई रोहित शर्मा की बॉलिंग में हो चुकी है वापसी, 24 बॉलों में 16 रन चाहिए हमें जीतने के लिए। फैजान भाई कर रहे हैं बॉलिंग का सामना, बहुत अच्छा शॉट भाई, बेहतरीन आग उगलता चौका मारा भाई फैजान भाई ने, बहुत बढ़िया बेहतरीन चौका। ओ भाई बेहतरीन एज लग के चौका जाते हुए, बहुत बढ़िया चौका, बहुत बढ़िया गोल्डन फोर भाई। इसराइल भाई आ गए हैं 4 रन बचाने के लिए, 18 बॉल में 4 रन चाहिए दोस्तों। फैजान भाई कह रहे हैं ये 4 रन मैं देखता हूँ कैसे बनाऊं, और ये भाई वन टिप, तीन रन चाहिए थे 18 बॉल में, और अब 17 बॉल में 3 रन चाहिए थे, और सदब भाई जो है रिटायर होके चले गए, कह रहा यार ये 3 रन, ये 3 रन तो मैं नदीम भाई से बनवाऊंगा। नदीम तुर्क कैप्टन आ गए हैं इसराइल भाई का सामना करने, और पहली बॉल भाई वेल डन, पहली बॉल पे ही खाता अपना खोलते हुए, और मुझे लग रहा है ये नहीं, एक हमारे नदीम भाई, भाई नदीम तुर्क मैच जिता के ले जाते हुए। अच्छा अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।